कार तो निकल गई आगे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। दिस इज़ मोहम्मद आसिम। या अस्सलाम वालेकुम। यहाँ का मज़ार है तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग होने वाला है टोटल 100 किलोमीटर का सोलो राइड। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं ऐसे ही राइड पे 100 किलोमीटर। ये मेरा स्प्लेंडर से पहला राइड है और कुछ इस तरह का लोकेशन है। चलिए आपको दिखाएंगे कि अलग अलग आगे आगे क्या क्या पैसे पड़ते हैं। ये देख रहा कट मार रहा, तीन जन को बैठा के भाई, ऐसा खतरनाक कट मारा। तो ये आगे है पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम चल रहा है इस पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस का। ये थोड़ा सा ऑफ रोड पेच आ चुका है। अब हम लोग चलने वाले हैं अंदर, जो काफ़ी धूल से भरा हुआ है। ये क्या भाई, इसकी चिपाट लग गई, सारा बालू बाहर निकल गया उसका। ये भाई धूल उड़ाता हुआ जा रहा है, इसको जाने दो आगे। ओ बालक, देख रहा है पीछे से क्या लगाया है। वो मक्खी घुस गई यार हेलमेट में। निकल जा निकल जा, निकल गया। तो अपन तो स्लो स्लो राइड करेंगे, कोई जल्दी भी नहीं है, आराम से चलेंगे घर पे। और हाँ यार, गाड़ी का लुक तो अभी समय तो बहुत खतरनाक लुक लग रहा है। ये मैंने फ्लैग लद्दाख फ्लैग लगा दिया है ना, इससे लुक जो है और शानदार हो गया। इंडियन रोडों पे भाई ये कोबरा जो सांप है, इनसे बस के चलना पड़ेगा। कोबरा मतलब ये जो गुटखा खा के फन मारते हैं ना, ये साले देखते नहीं हैं। बस गाड़ी आए चाहे ना आए भाई, बस फन मार दो। फन मारने का मतलब वही भाई, गुटखा को बाहर थूकते हैं वो। तेरे ही से तो ये भी तो मेरा ये पहला कह सकते हैं लॉन्ग राइड 200 किलोमीटर का है।
जो हम अपनी इस गाड़ी से करेंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में। मैंने ये हैंडल बार को सीधा करवा दिया है, तो इसे तो और मज़ा आ रहा है चलाने में। वो रहता है उसमें मज़ा नहीं आता है। इस रोड पे भाई हमेशा पता नहीं क्या होता है, धूल हमेशा उड़ता रहता है। इतने कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, ये देख रहे पहाड़ बना रखा है बालू का। ये तो साले ओवरटेक करते हैं, एक गाड़ी आएगा ऊपर से दूसरा गाड़ी भी ढकेल देता है, उसके पीछे पीछे ही चल देते हैं। ओवरटेक करने का इतना जुनून रहता है कि क्या पता भाई, सामने से गाड़ी आ रही है तो वो पाताल में घुस जाए। ये कौन सा जगह है? तो अभी हम पहुंच चुके हैं, अरे बोर्ड पे नाम तो दिख जा, महादेवा बाजार गोरखपुर। धूप इतनी तेज़ है ना भाई, हालत ख़राब हो जा रहा है बोलते बोलते, पूरा गला सूख जा रहा। लठ लेके साहब जी दौड़ रहा। ये सब रोड कब बनेगी भाई? इधर तो एकदम हालत ख़राब है, बारिश वगैरह में तो एकदम हालत ख़राब हो जाता होगा इधर। ये जो रूट है मैंने देखा है यार, बहुत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है बे। छपरी देख के ओवरटेक करता है भाई, देख के ओवरटेक करता है। यार लहरा दे भाई, गाड़ी लहरा दे। ये एक छपरी और आ रहा है, देख ये सन्न से निकलेगा। बहुत तगड़ा चला रहा है, एकदम आगे यूं करके। वो इसलिए देखने आता है क्या लगा रखा है। पहले ओवरटेक किया, फिर रुक गया, फिर ओवरटेक किया। ककड़ी लेकिन ये है भाई, ब्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस आप लोग का सपोर्ट रहा यार, वीडियो को शेयर करा करो यार मेरे भाई। ये रहा एक ब्राइकर, ये मैं किसी कैमरे से व्लॉगिंग नहीं कर रहा, मोटर व्लॉगिंग नहीं कर रहा भाई, ये मेरा मोबाइल ही है। कम खाया कर भाई। ताड़ी के पेड़ है, कुछ भी बोल देता भाई। इंडिया में हर लंबा पेड़ खजूर की तरह थोड़ी होता है। इस ट्रैक्टर वाले ने भाई के लोड रखा भाई, के रखा ये भाई, गदर वाली ट्रक। ठीक है, एंगल कुछ यार ख़राब लग रहा है, मैं एंगल सही कर लेता हूँ पहले। थोड़ा सा आई थिंक नीचे कर ले रहे हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा यूं, ठीक अब सही लगेगा।
अब सही है ना? सुहाना है सफर मैं तेरे बिना, देख रहा दूर तक तो भाई रेत ही रेत दिख रहे हैं। बॉटल से मेरे पानी छू रहा है यार। ओ भाई के आ गया वो, बॉटल से पानी गिर रहा है यार मेरे। थोड़ा सा बैग आई थिंक इधर उधर हो गया। सफर आजा 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 आजा। इस रूट पे अगर आप चल रहे हो तो भाई ये जो अभी गाड़ी गई है कमांडर जिसे कहते हैं, इससे भाई बच के रहियो। ये बहुत हैवी ड्राइवर होते हैं, हवा की तरह उड़ाते हैं भाई गाड़ी को। ये देर रास्ता भी ना दे रहा, दोनों साथ साथ में चल रहा। ब्रेकर आई थिंक इज ब्रेकर। ये स्टॉर्म सफारी आ रही है, गजब का लुक है। आ रही है भाई आ रही है, ये देख। ये खतरनाक लुक भाई। ये कौन सी जगह हम पहुंच गए अभी? भैंस बाजार भाई, कोई नाम है भैंस बाजार। पूरा गर्दा गर्दा कर दिया। जिस दिन मैंने गाड़ी ले ली भाई, उस दिन गर्दा नहीं, पूरे हवा में धूल उड़ा देने। यार इससे अच्छे रोड थे अपने उधर हैं, जैसे ही साला 30-40 जा तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। ये भी सही है कि अगर इस रूट पे आप ब्रेकर ना बनाओ, अगर ना रहे तो भाई एक्सीडेंट के पहले इतने इस पे बहुत सारे हादसे होते थे। ये तो ब्रेकर की वजह से थोड़ा बहुत रुका हुआ है, लेकिन यार पता नहीं यहाँ की चौड़ीकरण क्यों नहीं हो रही, हर जगह की हो गई, बस इधर की बाकी है। ये गाड़ी है भाई अपने पास थी 2007 में ही हट गई, क्योंकि इसका क्रेज जो है अपने उधर नहीं है, इधर रहता तो रहता गाड़ी। फोन आ रहा है, पहले बात कर लो।
कॉल आ रहा था दोस्त का, बात मैंने कर लिया। थोड़ी सी मैंने अपनी वीडियो भी देखी कि एंगल वगैरह सही था कि नहीं था। एंगल शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, बट अब एंगल थोड़ा सा बहुत अच्छा आ रहा। ये देख गड्ढे अंधा गड्ढा, तो चलिए इसके बाद, अभी तो ये पूरा रास्ता ऐसे ही है, तो आगे मिलते हैं आपसे। बीच बीच में सडन ऐसे ऐसे ब्रेक आ जा रहा है ना कि आदमी समझ में ना पा। ये कौन सी जगह है? दुर्घटना बावलचेत, कृपया धीरे चलें। आई थिंक कोई तहसील वगैरह। तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर। खजनी, खजनी की SDM थी एक, याद नहीं आ रहा है, अनुज चैन करके थी शायद। मैंने उनका सेमिनार अटेंड किया है, काफ़ी मोटिवेटिव था, यूनिवर्सिटी में DDU गोरखपुर में। वो दिन बे दिन थे, तो वो दिन नहीं रहे। वो दिन भी क्या दिन थे। एक गजब का दिख रहा है पूरा, पेड़ आपस में मिल रहे हैं, बीच में रास्ता। तेरे दिल में यहाँ कोई मंदिर है, क्या नाम है, नाम तो नहीं लिखा। तो बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाते हैं आपको। अरे ताऊ आराम से लड़ाएगा के। तो अगर हम थोड़े से जल्दी पहुंच गए तो हमें लगवाने हैं लोगो, अपने इधर लोगो लगवाना है, इसके बाद देखते हैं। ये टुक टुक उधर इधर बहुत ज़्यादा चल रहा है, देख रहा है, इधर ऑटो इधर ऑटो इधर ऑटो उधर ऑटो। यार पे ही होगा, अरे किसकी भैसन रे, छोड़ दी रोड पे। ये सही है, बाबा जी साइड में खड़े हैं, भैंस बीच में चल रही। ये भी नहीं करते भाई, साइड से कम से कम साइड तो कर दो, एंचो रोड अपना समझ रखा है। तो अभी हम फ़िलहाल पहुंच चुके हैं, बोर्ड दिखे तो बताएं कि कहां पहुंचे हैं। आई थिंक ये कौन सी जगह है, बंगाल रिबन, नहीं 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 नहीं, चले।
काफ़ी भीषण जाम लग चुकी है पूरा, बहुत लंबा, ये ट्रक की वजह से लंबा जाम लगा हुआ। छोरी देख रही सी, ये है खजनी, खजनी थाना। बहुत ही खतरनाक मैंने ओवरटेक की भाई। रेस नहीं लगानी भाई मुझे, और मैं इससे कहाँ रेस लगा लूँगा भाई। 220 सीसी, 97 सीसी, कहाँ उसका मुकाबला कर पाएगा। बट अपने पास भी ऐसी गाड़ी होगी भाई मुकाबला करेगा। ये दो बालक हीरो होंडा पे आ रहे हैं। कतई जहर है, ये उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? उड़ाएगा उड़ाएगा उड़ाएगा। ये रूल भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई बाइक पे बैठे तो दोनों लोग हेलमेट लेके बैठो। ये देख लो आगे भाई एक पूरा डाकू जैसा बन रखा, पीछे वाला हेलमेट पहन रखा है। दिल्ली वगैरह में क्या है कि आप बिना दो हेलमेट के अगर पीछे आप बैठे हैं तो आप बिना हेलमेट लगाए चल ही नहीं सकते। लंबा चलान भाई, 1000 रुपये तो कट जाएंगे। रूल तो है बट उसको फॉलो कोई नहीं करता। देख गजब का लोकेशन भाई, ये देखो एकदम रोड एक नंबर का भाई। ये आ रखा अपना गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में, आपका हार्दिक स्वागत है। हम गोरखपुर पहुंचने वाले हैं तो हम गोरखपुर जाएंगे यू टर्न लेके, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे इसके ऊपर चढ़ेंगे तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, लखनऊ टू दिल्ली। आप इस रोड से सीख सकते हैं कि क्या ये कहना चाहता है, यानी कि आप एक थोड़े बहुत परेशानियों से उभर के आप एक अच्छे रोड पे पहुंचने वाले हैं। तो ज़िंदगी भी वैसे ही है, परेशानियां आती रहती हैं, आप लड़िए और उस परेशानियों के बाद आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा सा रास्ता, जैसे कि ये रोड। अभी हम लोग देख रहा आगे के चक्कर में, लेन टू ये है कुछ, यहाँ का टोल प्लाजा है और यहाँ सिर्फ ट्रकें ट्रकें यहाँ खड़ी हैं भाई, फुल ट्रक फुल ट्रक। वो जा रही है एक नंबर की थार भाई, लुक रही है लुक।
खतरनाक है थार की। ये चेक करो भाई, UP32 MY5455, गजब का लुक भाई। यस थार एक नंबर दिख रहा भाई, ये देख रहे हो गजब का लुक भाई। थार तो निकल गई आगे भाई, तो कुछ ऐसा है रोड एक नंबर का है भाई, एकदम दबा के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। साइड साइड में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे और इधर तो आपको दिख ही रहा है, फूल वगैरह बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगा रखे हैं भाई एकदम। ये देख रहा है भाई, हंस दी ज़िंदगी में भाई ठहराव बहुत ज़रूरी है, तो अभी हमारा रूट चेंज होने वाला है। यहाँ से लखनऊ के लिए आप लेफ़्ट ले सकते हैं, सनोली के लिए आप सीधे जा सकते हैं, सिटी में जाना हो गोरखपुर तो यहाँ से आप राइट ले सकते हैं, और वापस अगर आपको वहीं जाना हो तो यू टर्न ले लीजिए आप, बट हमें अपने को यू टर्न नहीं लेना है, तो हम धीरे धीरे ऐसे चलेंगे। तो अपन जा रहे हैं नीचे,